वीडियो के प्रारंभ में आपने अभी एक विज्ञप्ति देखी है जिसमें यह दर्शाया गया है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं 26, 27, 28, 29 मार्च को निर्धारित की गई है। यह नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यह पूर्ण रूप से मिथ्या है। इसका सच्चाई से दूर दूर तक संबंध नहीं है। किसी प्रकार का नोटिस या ऐसा किसी प्रकार का नोटिस अभी वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया गया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड जब भी कोई नोटिस जारी करता है ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है, और धीरे धीरे सरकारी रिजल्ट पर जाकर के ये दिखाई देता है या अन्य वेबसाइट पर दिखाई देता है। लेकिन ये जो नोटिस है ये किसी भी वेबसाइट पर नहीं है, ये एक नोटपैड पर बनाया गया है, एक लेटर है जो किसी यूट्यूबर ने इसे अपलोड कर दिया है और इसे वायरल कर दिया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार का नोटिस आने पर आप विचलित ना हो। सबसे पहले यूपीएसएससी करके एक वेबसाइट है, आप शायद वहां जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, अभी इसकी कोई दूर दूर तो संभावना नहीं है। पोर्टल खुलने को लेकर कोई पूरी सूचना नहीं मिल रही है। एग्जाम कब होगा अभी कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। सबसे पहले कोई कंपनी इसका टेंडर वगैरह लेती है या कुछ इनका कुछ काम होता, ऐसा कोई कार्य होता है जो करवाते हैं, एग्जाम वगैरह छपवाते हैं या पेपर छपवाते हैं, कुछ भी ऐसा कोई नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है ऑफिशियली। जो बच्चे तभी तैयारी कर रहे हैं अभी तैयारी करते रहे, जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आप sakarresult.com पर जाकर चेक कर सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जाकर चेक कर सकते हैं। या मैं आने वाले समय में जैसे ही एडमिट कार्ड या कोई भी विज्ञापन आता है, कोई भी विज्ञप्ति आती है, मैं अपने चैनल पर डाल देता हूँ। आप इस चैनल को विजिट कर सकती हैं, आप चेक कर सकते हैं कि किसका लिंक कौन सी वीडियो कब डाली हुई है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। विक्की खान जी ने एक अच्छा बयान दिया है, उन्होंने बताया है कि ऐसे किसी भी भ्रामक विज्ञप्तियों पर कोई ध्यान न दे, अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहे। सॉरी खांसी है। दूसरी बात, पढ़ाई को लेकर पढ़ाई के क्षेत्र में आपका जो सब्जेक्ट है उसमें जो कमजोर चैप्टर है आप उस पर फोकस करें, उस पर मेहनत करें, जिससे आपके सिलेक्शन होने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि ऐसी किसी भी विज्ञप्ति भ्रामक विज्ञप्ति पर विश्वास ना करें। सबसे पहले upssb.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि मेरी वेबसाइट बोलने में कुछ त्रुटियां हो रही हो, आप upppgt डाल सकते हैं गूगल पे और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आ जाएगी और उसको डेस्कटॉप मोड करके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आप फिर से कहते हैं तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।